हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं बात कर रही हूँ पुष्पा। आज हम सीखेंगे बगैर फॉर्म के ये छोटा सा पर्स बनाना जो कि काफ़ी मजबूत है। इसे बनाने के लिए हमने ये पीस बैग यानी जिसमें मटर आते हैं उस बैग का यूज़ किया है। इसकी लेंथ है 13 इंच और विड्थ है 8 इंच। अगर आपके पास पी बैग नहीं है तो आप आटा या चावल के जो बैग होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर से लेंथवाइज हमने फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमें कॉर्नर पर एक गोलाई कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। यही पीस हम दूसरे वाले पीस के साथ रखेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पी बैग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और कड़क होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे नीचे हमने लाइनिंग रखनी है, उसके ऊपर हमने पी बैग रखना है और उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक रखना है। तो दो पीस मेन फैब्रिक के, दो पीस लाइनिंग के, दो पीस हमें चाहिए पी बैग के और हमें क्विल्टिंग कर लेनी है इन पे। तो देखिए, दोनों पीसेस को हमें क्विल्टिंग करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने मशीन की 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया है और मेरी ये सिंपल हैंड मशीन है तो इस पे ये आसानी से क्विल्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों क्विल्टिंग पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक क्विल्टिंग पीस मैंने 1/2 इंच जो है कटिंग कर दिया है लेंथ में। तो जो कम लेंथ में मैंने कटिंग किया है उसको मैं बेस से, देखिए बेस से ऊपर की साइड 10 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। और यहाँ पर हम एक लाइन लगा के कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये आएगा बाद में। तो पहले हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और अब हमें एक जिप यहाँ पे अटैच करनी है और एक जिप यहाँ पे अटैच करनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर जिप स्टिच कर रही हूँ। साथ ही हम बैठी हुई स्टिच भी लगा लेंगे। रॉन्ग साइड का जो मार्जिन है उसे क्विल्टिंग पीस की तरफ कर लेते हैं और सीधी साइड पर क्विल्टिंग पीस के एकदम किनारे पर ही हम जो स्टिच लगाते हैं उसे हम बैठी हुई स्टिच कहते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम पर्स की जिप को खोलते या बंद करते हैं तो वो अटकती नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जिप तो लगा ली है, अब मैं वेलक्रो लगा रही हूँ। वेलक्रो अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मैग्नेट बटन लगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको टेलरिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। अब यहाँ से हमने बेस वाले हिस्से को ऊपर की साइड 4.7 इंच फोल्ड कर लिया है। एक पीस तो देखिए हमारा यहाँ लगेगा वेलक्रो का और दूसरा पीस आप इस तरीके से मार्क लगा लेंगे, या अगर आप मैग्नेट बटन भी लगा रहे हैं तो मैग्नेट बटन भी आप इसी तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हम वेलक्रो को स्टिच कर लेंगे पर्स के साथ। वेलक्रो की एक स्ट्रिप जो होती है 30-35 रुपए मीटर के हिसाब से मिलती है, तो उसमें से मैंने ये पीस इतना काट लिया है। अगर आप मैग्नेट बटन लगाते हैं तो 15 या 25 रुपए का एक मैग्नेट बटन मिलता है, तो मैग्नेट बटन लगाना चाहे तो वो लगा लीजिए, वेलक्रो लगाना चाहे तो वो लगा लीजिए, जो आपको सही लगे। देखिए यहाँ पे दूसरा हिस्सा हम वेलक्रो का सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेलक्रो के लगाने के बाद अब हम
जो बेस वाला हिस्सा है इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे करीबन 5 इंच 8 पॉइंट या फिर 5 इंच 9 पॉइंट तक हम इसे ऊपर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड आप देख लीजिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे, एक स्टिच यहाँ लगा लेंगे। तो देखिए अब मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी बाय स्ट्रिप यानी उरेब स्ट्रिप ले ली है। इसे हम इस तरीके से इस पर्स के हर किनारे पर स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए ये हमने स्टिच कर लेनी है। और अब हम इसे टर्न कर लेंगे दूसरी साइड को और इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें अब 3 पॉकेट बन गई है। फर्स्ट पॉकेट ये है, सेकंड ये वाली है और थर्ड पॉकेट ये वाली है। तो इसमें आप आपका मोबाइल बैग की कॉपी आराम से रख सकते हैं। अगर इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच हमने तैयार की है, अगर आपका मोबाइल या बैंक की कॉपी थोड़ी और लंबी है तो आप इसको 9 इंच तक चौड़ा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।